कंठी माला, ये किसे बनी है? वर्णन आता है शास्त्र में कि स्पर्श मात्र से, तुलसी के स्पर्श मात्र से हमारे सारे पाप हरण हो सकते हैं। ये हमारे जो शरीर है वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। हमारे पास क्षमता नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, मगर भगवान इतने कृपालु हो जाते हैं किसको देखकर, कि हमने तुलसी महारानी का स्पर्श किया हुआ है, इसको देखकर। तो बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत प्योरीफाइंग है तुलसी महारानी का संग। जिस व्यक्ति ने तुलसी का संग किया हुआ है उसकी कभी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है, अनटाइमली डेथ नहीं होती है। अगर होगी भी तो यमराज उसके पास नहीं आ सकते, यमदूत उसके पास फटक भी नहीं सकते जिसने तुलसी महारानी का संग किया हुआ। इसलिए हम कभी कंठी को उतारते नहीं है, क्योंकि लिखा थोड़ी हुआ है कि दिन में मरेंगे जी आप, रात में नहीं मरेंगे, रात को उतार के रख दी, रात में टपक गए तो इसलिए हमेशा बाथरूम में टपक गए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कभी उतारना नहीं है, तो कभी यमदूत आपको छू नहीं पाएंगे। तो ये स्कंद पुराण में वर्णन है कि देयर विल बी नो दर्शन ऑफ यमदूतास फॉर अ पर्सन हु इज टेकिंग शेल्टर ऑफ तुलसी महारानी। और प्रभुपाद जी बताते हैं ये क्या एक पट्टे के समान है। जैसे एक सोसाइटी में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो एक सोसाइटी के मेंबर ने फोन कर दिया म्युनिसिपैलिटी वालों को, अरे बड़े सारे कुत्ते हैं जी लेके जाओ इनको। आ गई म्युनिसिपैलिटी की वैन, तो सबको अंदर डाल रहे हैं, मगर उस कुत्ते को छोड़ देंगे जिसके गले में पट्टा है। भाई ये पालतू है भैया, ये तो हम लेके जाएंगे, मालिक पहुंच जाएगा हमारे पास, बैंड बजा देगा हमारी, भाई तू यहीं पे रहे, तू मस्ती से घूम, फ्री घूम। तो ऐसे ही जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो फिर वो म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, यमदूत आएंगे, सारे कुत्तों को अंदर भेजेंगे, मगर वो कुत्ता जिसके गले में पट्टा है, भैया आपके ऊपर हमारा राज नहीं है, यू आर आउटसाइड ऑफ हर परव्यू, आप यहीं पर रहिए मस्त घूमिए। तो यमदूतों का वहाँ पे कोई कार्य नहीं है, बच जाएगा वो व्यक्ति यम के प्रभाव से। व्यासदेव जी बताते हैं स्कंद पुराण में कि स्नान के समय जिसने कंठ में तुलसी माला धारण की हुई है तो उसको सारे तीर्थों का फल मिल जाता है, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। सोचिए, बहुत इच्छा हो रही है हमें हरिद्वार जाने की, बहुत इच्छा हो रही है द्वारका जाने की, बहुत इच्छा हो रही है जगन्नाथपुरी जाने की, तो बहुत सारे तीर्थ हैं मगर जाना संभव नहीं है और रोकड़ा भी लगता है, तो क्या करें। तो यहाँ बता रहे हैं व्यासदेव जी कुछ नहीं है, सुबह का आपने कंठी पहला पहनी हुई है ना, तो स्नान करेंगे तो बस आपको सारे कुंडों के जलों का स्नान का फल मिलता रहेगा घर बैठे बैठे। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो कंठी पहनता है और तिलक लगाता है ऐसा व्यक्ति वैष्णव कहलाता है, और ऐसे वैष्णव की उपस्थिति से ही पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। ये जो वैष्णव चलेगा जिसने कंठी माला पहनी हुई है, जिसने तिलक लगाया हुआ है, हाथ में उसके हरि नाम की माला है, जब ये वैष्णव चलता है तो जगह जगह को शुद्ध करता हुआ जाता है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जो तीर्थ लोग होते हैं वो जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान को भी तीर्थ बना देते हैं, जितना प्योरीफाइंग है। मेट्रो में आप बैठे हैं और सामने एक भक्त दिख गया जिसने तिलक लगाया हुआ है, कंठी माला धारण की है, बस आपका दिन तो बन गया। इट इज ऑल ऑस्पिशियस, सब मंगल ही मंगल होगा आपका, क्योंकि आपने एक भक्त का दर्शन कर लिया है। इट इज सो प्योरीफाइंग। इस प्रकार ये कृपा है तुलसी महारानी की कि हम जैसे अभागे अयोग्य अभद्र लोगों को भी उन्होंने अपना संग दिया है और हमारे गले में आने को तैयार हो जाते हैं। एक और नियम बताया गया है कि ये जो किसी तुलसी माला की कंठी पहन ली, कंठी मतलब जो कंठ में है, मतलब कि अब इस कंठ से नीचे कुछ गलत नहीं ले जाने देंगे, ना ही कोई गलत विचार यहाँ से नीचे जाएगा और ना ही कुछ गलत भोजन इस कंठ से नीचे हम जाने देंगे। तो ये संकल्प हमें लेना है, वही व्यक्ति तुलसी महारानी को ग्रहण करने के लिए योग्य है जो ये इन संकल्पों को पालन करने के लिए तैयार है। तो ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं। सबसे पहला, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, जिसमें अंडा मछली अनियन गार्लिक ये सब आता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। अगर आप तुलसी महारानी को पहने हैं और प्याज लहसुन खा रहे हैं तो अच्छा नहीं है, तो पहले प्याज लहसुन को छोड़िए उसके बाद तुलसी महारानी को ग्रहण करिए। तो नो मीट ईटिंग पहला नियम। दूसरा, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। थर्ड, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं करना, जिसमें बाकी सारे नशे तो आते ही हैं, साथ साथ चाय और कॉफ़ी भी नहीं लेना, उसमें भी नशा है, उसमें कैफीन है, उसको छोड़ना है। एंड फोर्थ, नो इलिसिट सेक्स, अपने वैवाहिक जीवन से बाहर कोई संबंध ना बनाना। तो जो इन चार नियमों का दृढ़ता से पालन कर रहा है उसी को तुलसी महारानी को ग्रहण करना चाहिए। वैसे तुलसी धारण करने का कोई नियम नहीं है, आइडियली बोले तो तुलसी धारण कोई भी कर सकता है। अब सूर्य सबके ऊपर कृपा डालता है ना, सूर्य सबके ऊपर प्रकाश देता है, चाहे वो इंडिया वाले हों, चाहे पाकिस्तान वाले हों, चाहे अमेरिका वाले हों, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, सबको प्रकाश देता है, सबको प्योरीफाई करता है, चाहे वो नदी का जल क्यों ना हो, तालाब का जल क्यों ना हो, चाहे मूत्र क्यों ना हो, उसको भी प्योरीफाई करता है सूर्य। ऐसे ही तुलसी महारानी तो सबको प्योरीफाई करेंगी, चाहे वो शराबी कबाबी क्यों ना हो, अगर वो भी तुलसी महारानी का संग करेगा तो उसका भी प्योरीफिकेशन होगा।
मगर क्योंकि हम एक संप्रदाय में हैं, एक इंस्टीट्यूशन में हैं, तो हम कुछ मिनिमम रूल्स को फॉलो करते हैं। इसलिए एटलीस्ट हमें जो पता, हम लोगों को पता है कि हमें नियमों का पालन करना है, तो हम इन नियमों का दृढ़ता से पालन करें और फिर तुलसी महारानी को स्वीकार करें, तो फिर हम अपराध नहीं करेंगे तुलसी महारानी के प्रति। अब जो बिना नियमों को जाने पहन रहा है तो वो इनोसेंस में पहन रहा है ना, अज्ञानता में पहन रहा है, मगर हम तो जानते हैं ना, तो इसलिए हमें पहले नियमों का पालन करना है, उसके बाद तुलसी महारानी को कंठ में स्वीकार करना है। ठीक है, हरे कृष्णा श्रीमती तुलसी महारानी की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।